बदमाशों के हौसले किस कदर बढ़ चुके हैं इस बात से पता चलता है कि गोहाना पानीपत हाईवे पर भैसवान चौकी के नजदीक सुखदेव ढाबे के पास मिली लाखन माजरा के युवक की लाश। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को सिविल अस्पताल पहुंचाने के साथ ही मृतक की जेब में मिले मोबाइल से परिजनों को करवाया अवगत। परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। लाखन माजरा निवासी जोगेंद्र सनो बिजेंद्र और बिट्टू ने भैसवान चौकी में दी शिकायत के अनुसार 17 तारीख शाम को उनके भाई जितेंद्र का उनके पास फोन आया था कि वे एक लड़की के साथ हैं और किसी काम को लेकर रोहतक जा रहे हैं, लेकिन हमें 18 को सुबह सूचना मिली कि जितेंद्र की हत्या हो गई है। मृतक के भाई जोगेंद्र ने साथ गई लड़की पर हत्या करने या करवाने की आशंका जताई। पुलिस अधिकारी के अनुसार पुलिस को रात को सूचना मिली कि भैसवान चौकी के पास अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई है। ना पता ना मालूम बॉडी होने पर पुलिस ने मृतक की तलाशी ली, जिसकी जेब में मोबाइल मिला, जिसके वारिसान को अवगत करवाया गया। बॉडी को सिविल हॉस्पिटल गोहाना पहुंचाया गया। वारिसों ने मौके पर पहुंचकर मृतक जितेंद्र की हत्या होने की आशंका जताई। केस फाइल कर दिया गया है, आगे की कार्रवाई की जा रही है। वो लड़की जो साथ में थी वो कल ये हादसा होने के बाद में वो वहाँ से फरार हो गई, उसके बाद में उसका कुछ पता नहीं है। और अब पूरा सब उसी लड़की को, मेरे को सुबह यही कल शाम को फोन आया था मेरे भाई का कि मैं उनके उस लड़की के साथ जा रहा हूँ, सविटी नाम था उस लड़की का, कि मैं उसके साथ जा रहा हूँ। उसके बाद में सुबह मेरे पास यही मैसेज आया कि आपके भाई एक्सपायर हो गया। शिकायत यही है मेरी तरफ से कि वो सारा जो भी कुछ हुआ है उस लड़की की वजह से हुआ है, कुछ भी उसका, या उसने हत्या करवाई है किसी से या करी है। समय करीब 2:12 के 17 मिनट थी कि भाई रोड पर एक्सीडेंट हो गया है, जो मुक्का करे पुलिस पहुँच कर डेड बॉडी को मुक्का चेंज था कर जी एच में दाखिल करा दिया था। जो नाम पता ना मालूम डेड बॉडी थी, जिसके तलाश लेने पर मृत्यु की जेब में फोन प्राप्त हुआ, जो फोन पर वारसान को सूचना दी गई, जो वारसान मौका पर आए, जो वारसान ने मौका पर आकर हत्या की आशंका जताई है।